नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहले वीकली, फिर डेली, फिर देखेंगे आवरली और 15 मिनट में, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। मेरे वीडियोस से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रहा है, कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली, आप लोग को भी अगर एंजॉय कर रहे हो वीडियोस तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ये हमारा हौसला बढ़ाता है। तो पहले हम चलते हैं निफ्टी के पास। तो निफ्टी में अगर फ्यूचर के बारे में बात करूं और वीकली चार्ट में चलाऊं, तो ये मैंने सिर्फ वीकली में 20 और 200 मूविंग एवरेज डाला हुआ है, कोई भी इंडिकेटर नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को बहुत ही सीरियस ले रहा है, बार बार मैंने बोल रहा हूँ इस बात को। तो अगर ये वीकली ना होता, डेली होता, तो यहाँ पे ऊपर वीक के जगह 2-3 कैंडल्स भी आपको देखने के लिए मिलते, जो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, 200 मूविंग एवरेज लगभग 17,050 के पास है और 20 मूविंग एवरेज नीचे है, प्राइस कवर कर चुका है। फिर एक बात कहूँ, प्राइस भी जब भी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, फिर से आके 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ही नया हाई बनाता है। तो यहाँ पे मैं वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से नेगेटिव हूँ, मुझे लग रहा है और एक कैंडल यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल का बन सकता है। लगभग 15,500 तक आप निफ्टी को देख सकते हो कल। तो वीकली कैंडल चार्ट में नेगेटिव और या फ्लैट नेगेटिव आप दे सकते हो। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके प्राइस चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दो रेड कैंडल्स हैं, एक छोटा वाला, बड़ा वाला, ऊपर एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है। तो देखा जाए तो प्राइस चढ़ते हुए हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाने की कोशिश में है, लेकिन उतना पावर नहीं है। अगर नीचे वॉल्यूम बार्स देखें तो उतना स्ट्रांग वॉल्यूम बार देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। अभी चलते हैं आवरली कैंडल चार्ट में। डेली कैंडल चार्ट में भी स्लो लग रहा है मुझे। आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे छोटा सा हेड एंड शोल्डर मैंने 15 मिनट के हिसाब से डाला था। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है और 20 मूविंग एवरेज अपवर्ड है, ये एक सिमेट्रिक ट्राइंगल बन रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से। यहाँ पर भी मार्केट कन्फ्यूज है आवरली कैंडल चार्ट को लेके, मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा ये डिपेंड करता है। आवरली कैंडल चार्ट बता रहा है कि ग्लोबल मार्केट क्लूज है। अगर मार्केट सवेरे सिंगापुर निफ्टी अगर पॉजिटिव में खुल रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, यहाँ पे 50-50 चांसेस है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर थोड़ा ध्यान डालते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट के बारे में देखा जाए, सॉरी ये तो संडे है, मार्केट तो खुला नहीं होगा, 26 अगस्त नहीं, संडे है, सॉरी। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं 15 मिनट कैंडल के चार्ट। तो आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से भी बुलिश नहीं लग रहा है 15 मिनट कैंडल चार्ट में। आप क्लियरली देख पा रहे हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है 2200 मूविंग एवरेज का, लेकिन फिर से डाउनवर्ड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कल नेगेटिव मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। मेजर सपोर्ट है 15,550, उसके बाद उसको अगर तोड़ देता है तो मार्केट डाउनवर्ड आ सकता है लगभग 17,500 तक आ सकता है। तो ये मेजर सपोर्ट दोनों हैं, कल नेगेटिव साइड में आप रहिए। बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं कैसा है हमारा। बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एक हायर हाई बना था, उसके बाद यही 40,000 का बहुत ही स्ट्रगल लेवल है। ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हैमर टाइप का एक पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। प्राइस स्ट्रगल कर रहा है नीचे 200 मूविंग एवरेज को, 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्रॉसओवर जब तक नहीं होता, हो सकता है एक दो हफ्ते के लिए यहाँ पर ही आपको प्राइस देखने के लिए मिले। डेली कैंडल चार्ट में अगर देखें 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में प्राइस फिर से निफ्टी की तरह स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे दो दो बियरिश पैटर्न्स कैंडल्स बने हुए हैं, एक इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग टॉप। मार्केट यहाँ पर भी नेगेटिव लग रहा है, लास्ट दो कैंडल हाईली वॉल्यूम के साथ नेगेटिव वॉल्यूम बार बनाया है। तो बैंक निफ्टी भी मुझे फ्लैट माइनस या नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। आवरली कैंडल चार्ट में क्रॉसओवर यहाँ पे मिला हमको 2200 मूविंग एवरेज का, फिर भी नया हाई नहीं बना पाया। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे 39,500 का एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर तोड़ता है तो बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा। उसी तरह अगर 39,000 का लो तोड़ा, ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं ले पाया, तो डायरेक्ट आके रुकेगा आपका
38,200 तक। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में फिर से वही हाल, सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 50-50 का सिचुएशन है। लेकिन आप अगर गौर से देखें, प्राइस हाई बनाया, हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर हाई नहीं बना पा रहा है, डाउन साइड चल रहा है। तो इसको अगर तोड़ेगा प्राइस ऊपर जाएगा, उसी तरह इस लो को अगर तोड़ता है तो नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेंड्स। आप अगर ग्लोबली जितने लोग भी बता रहे हैं कल मार्केट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, मेरे वीडियोस बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपको अगर पसंद आ रहा है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो काइंडली कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपका ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।